इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। महाकाल की नगरी उज्जैन की चर्चाएं आज समूचे देश में चल रही हैं और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी ही बात हम आपको आज बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब हम बात कर रहे हैं और बता रहे हैं ऐसे शख्सियत की जो देश के प्रधानमंत्री थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने उज्जैन की नगरी में रात गुजारी और कुछ समय बाद उनकी सरकार चली गई। एक तो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने उज्जैन की नगरी में रात गुजारी और सुबह होते ही उनकी कुर्सी चली गई थी। हम बात बताएंगे और बताएंगे कि वह कौन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे जिनका ऐसा रात गुजारने का सामने आया है, जिसके बाद अगले दिन या कुछ समय बाद उनकी सरकार चली गई थी। लेकिन उसके पहले हम कुछ और जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि बाबा महाकाल की नगरी में स्वयं बाबा भोलेनाथ यहाँ के राजा होते हैं और उनके सामने कोई भी राजा नहीं होता है। यही वजह है कि जब भी शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट के समय यहाँ पे राजा की कुर्सी पर बाबा महाकाल की फोटो लगाई जाती है और अगल बगल यहाँ पे मंत्री मुख्यमंत्री बैठा करते हैं। यही मान्यता है कि यहाँ पर जब भी कोई बैठक या कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे राजा स्वयं बाबा महाकाल होते हैं और सभी लोग, चाहे जितने वीवीआईपी हों, वह सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में रहते हैं। हम पूरा किस्सा आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे जिनके यहाँ पे रात गुजारने के बाद कुछ समय बाद और अगले दिन कुर्सी चली गई थी। तो आइए हम शुरू करते हैं पूरा किस्सा और आपको बताते हैं पूरी कहानी। सीएम और पीएम या कोई बड़े दायित्व को संभालने वाला व्यक्ति अगर उज्जैन की नगरी में रात गुजारता है तो यहाँ पे उनकी सरकार कुछ समय बाद चली जाती है या जिम्मेदारी वाला पद चला जाता है। हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रात गुजारी थी और कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रात यहाँ पे काटने के बाद अगले दिन या कुछ समय बाद उनकी सरकार चली गई थी। दरअसल उज्जैन की नगरी में मान्यता ऐसी है कि अटूट आस्था कि राजा स्वयं यहाँ पे बाबा महाकाल हैं और उनके सामने कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है। यही वजह है कि ऐसी आस्था के साथ यहाँ पे सियासत करने वाले लोग भी इस मान्यता को मानते हैं और जब भी किसी बैठक होती है तो उसमें यहाँ पे मुखिया खुद बाबा महाकाल बनते हैं और यहाँ पे सभी लोग एक दर्शक की भूमिका में बैठकर पूरे कार्यक्रम को किया करते हैं और यहाँ पे प्रतिमा भी लगाई जाती है। इस तरीके की बात बताई जाती है कि जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक होती है तो वहाँ पे बाबा महाकाल की प्रतिमा रखी जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके कैबिनेट के मंत्री बैठकर यहाँ पे अपनी बैठक किया करते हैं। तो इस तरीके की बात अक्सर सामने आती है। और ऐसे ही एक प्रधानमंत्री थे जिनको पता था कि यहाँ पे रात गुजारने के बाद यहाँ पे सियासी जो सीट होती है वह चली जाती है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और अपनी अड़ी में रहे, जिसके कारण उन्होंने वहाँ रात गुजारी और अगली सुबह ही उनकी कुर्सी वहाँ से चली गई थी। तो यहाँ पे जो बात सामने आई है वह इस तरीके की है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे महाकाल की नगरी में रात गुजारने के लिए आए थे और यहाँ पे रात गुजारने के बाद अगली सुबह जब वह अपने गंतव्य तक पहुँचे तो यहाँ पे अगले दिन ही उनकी कुर्सी चली गई थी। यहाँ पे बताया जाता है देश के चौथे प्रधानमंत्री थे मुरारी जी देसाई, जिन्होंने यहाँ पे रात गुजारी और अगली सुबह जब वह अपने गंतव्य तक पहुँचे तो उनकी कुर्सी जा चुकी थी। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया था जहाँ पर सीएम के पद पर यहाँ पे बीएस अदुरप्पा कर्नाटक के सीएम थे, जिन्होंने यहाँ पे रात गुजारने के बाद यहाँ जब वह अपने कार्य के लिए वापस पहुँचे तो कुछ समय बाद उनकी सरकार गिर चुकी थी। तो इस तरीके की मान्यता है कि बाबा महाकाल की नगरी में कोई भी वीवीआईपी या कोई बड़े दायित्व को संभालने वाला अगर आता है तो उसे बाबा महाकाल को ही राजा मानना पड़ता है और इसके अलावा वहाँ पे रात गुजारने का ये जो सिलसिला है वह थम चुका था। अब जो भी आता है तो वहाँ पे रात नहीं गुजारता, ऐसी मान्यता है।